नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दिलीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। और आज है संडे का दिन एंड संडे में कुछ तो नया आपके लिए ढूंढ के लेकर आना था। तो आज हम ढूंढने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी, हमारे एक बहुत दिन से टेंपल जाना रह रहा था तो आज हम एक मंदिर जाने वाले हैं। मंदिर हम भी मैं नहीं बताऊँगा, जब पहुँच जाएंगे तब दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है। बट इस मंदिर की बहुत मान्यता है जयपुर ज़िले और जैसे कि सर्वोपरि है ये सब जगह। यहाँ पर अगर पूजा होती है, कोई त्यौहार होता है तो सबसे पहले इधर मनाया जाता है। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं टेंपल में और उधर जाके हम आपसे दोबारा कनेक्ट होंगे। तब तक आप सड़क के नज़ारे लीजिए। आ गए हैं जयपुर पिंक सिटी के अंदर में और मेरे ख्याल से पिंक सिटी के तब तक शायद ही कोई ब्लॉग बनाया होगा, मैंने बनाया नहीं अभी तक। तो अभी आप जब हम जा रहे हैं गोविंद देव जी के टेंपल में एंड सुबह का टाइम हमने चूज़ किया। बट आज सुबह के टाइम में ना हमारे साथ क्या हुआ है कि जब रेगुलर एक हमारा रूट है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम एंड देन कम टू द पिंक सिटी, वो रूट आज बंद है क्योंकि आज तो मैराथन है। तो आज हमें बहुत घूम फिर कर आना पड़ा यहाँ पर एंड अभी जा रहे हैं हम। देखो कितना खाली पड़ा हुआ है, ये कभी ऐसा खाली देखने को मिलता नहीं है सुबह सुबह, बट आज मिला ये खाली देखने को क्योंकि संडे है, दुकानें बंद रहती हैं और वैसे भी सर्दी के टाइम में मॉर्निंग में कोई आता ही नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और मॉर्निंग में जो आते हैं वो आते हैं इधर मेरी तरफ, देखिए सम्राट कचौड़ी का खाने पीने वाले मेरे जैसे ही हैं वहाँ पे, पीने वाले नहीं खाने वाले मेरे जैसे ही हैं। काम होना हो सम्राट कचौरी वाले के बाद सुबह जाके हाजिरी जरूर बननी है, तो क्यों ना बने, अच्छा बनाता है तो इसलिए जरूर बनेंगे। तो आप देखेंगे, शायद मैं भी ट्राई मारूंगा कोई ना कोई कचौरी वाली, जनरली मैं खाता नहीं हूँ लेकिन आज कोशिश करूंगा कि कुछ तो खाने को मिले क्योंकि सुबह बिना नाश्ता करे हुआ है हम लोग। तो फिलहाल तो अभी हम ले जाएंगे गाड़ी हवा महल के आगे गोविंद देव जी के जो टेम्पल है उसकी उधर पार्किंग में खड़ी करेंगे गाड़ी को और फिर दर्शन के लिए जाएंगे क्योंकि दर्शन हमारे को अवेलेबल है करीबन 9:30 बजे तक और 9 बजे बंद हो जाएगा। क्योंकि इस टेंपल का कैसे है कि इस टेंपल के अंदर में जो आरती होती है वो 7 बार होती है। अब वो 7 बार जब आरती होती है ना तो उतनी देर के लिए टेंपल को रोक लिया जाता है, मतलब दर्शन रोक दिए जाते हैं। तो टाइमिंग तो पहले से फिक्स्ड है कि सुबह सुबह होता है, फिर अभी 9:30 बजे का टाइम है, फिर दिन में ऐसे करके टोटल सात बार ही होता है। तो अभी हम उधर जा रहे हैं, देखते हैं हमारा को मौका लगता नहीं लगता, और नहीं भी लगेगा तो हम वेट करके जाएंगे। तो दोस्तों जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस मंदिर की जो लोकेशन है वो जयपुर के सिटी पैलेस के जयनिवास बाग में है, उद्यान में। और इसमें जो श्री गोविंद देव जी की जो प्रतिमा विग्रह रखा हुआ है वो करीबन 4900 वर्ष पुराना है। लोग कहते हैं या फिर मैंने भी कहीं पर पढ़ा है, नॉट एग्जैक्टली मेरे को भी मालूम नहीं है, बट जो मैंने सुना है इसके अंदर में कि श्री कृष्ण जी के जो परपोत्र थे उन्होंने अपनी माता के कहे अनुसार जो स्वरूप सुने थे श्री कृष्ण जी के,
तो उसके अनुसार 3 विग्रह बनवाए थे, श्री मदन मोहन जी का, श्री गोपीनाथ जी का और श्री गोविंद देव जी का, जिसमें से गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी का जो विग्रह है वो जयपुर में है और मदन मोहन जी का जो विग्रह है करौली में है। तो दोस्तों अब हम आ पहुंचे सिटी पैलेस के प्रांगण में और जो गोविंद देव जी का टेंपल है वो इसी में ही है। तो हम लोग पहले अपनी गाड़ी करेंगे पार्क और फिर हम जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद जैसा मैंने पहले बताया था कि कचौरी के मज़े उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शन। तो अब हम अपनी गाड़ी करते हैं हम पार्क और चलते हैं भगवान के दर्शन करने। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंदिर के परिसर में और सब आरती हो रही है। मैं आपको हिस्ट्री बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो अभी आप देखिए दर्शन कीजिए। आप जब दर्शन कर रहे होंगे तो इनकी आंखें जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके लिए एक चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे दर्शन हुए और किसी ने कोई परेशानी नहीं करी। आप जैसे आराम से जाना चाहो, बैठना चाहो बैठ सकते हो, है ना। पतंग ये मंदिर के बैक साइड में आ गए। करना पड़ेगा लेकिन दर्शन हो रहा।
जरा ध्यान से देखना, इसके बारे में अभी आपको कुछ बताऊंगा। तो ये फेमस क्यों है? इस पूरे हाल में अंदर कहीं पे भी कोई भी पिलर नहीं है, सब भारी भार है। तो आप लोगों ने इसे देखा होगा, ये जो भगवान का स्वरूप है, तो इसके बारे में अभी और डिटेल बताऊंगा मैं आराम से बैठ के। फिलहाल तो मेरी खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही इतने भक्तिमय माहौल के अंदर में कोई ब्लॉग बनाने की, बट ठीक है मैं बताऊंगा उसके बारे में और। फिलहाल बाहर चलते हैं अभी। ओके, तो आपने माहौल देखा होगा कैसा भक्तिमय है, और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कुछ बनाने की, और कोई बना भी नहीं सकता इस मॉल के अंदर में, क्योंकि वो अपने आप को भूल जाता है। ब्लॉग तो दूर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन्हें इनकी जो हिस्ट्री है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट जो माहौल था ना अभी, वो इतना इतना स्पिरिचुअल हो चुका था कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई दोनों की यहाँ से हिलने की। तो हम बाहर चलेंगे, या फिर हो सकता है मैं गाड़ी में बैठूँ, फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। यहाँ तो नहीं बता सकता, यहाँ बैठा तो मैं यहीं के रह जाऊँगा। हाँ, तो अभी चलते हैं। तो दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, एंड देखते हैं नाश्ता करने के लिए कुछ मिले हमारे को, फिर नाश्ता करें और फिर आपसे करेंगे बात। चलो, तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि तीन विग्रह बनाए थे, लेकिन जब मुग़लों का आक्रमण हुआ भारत के अंदर में, और 11वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया, तो उस टाइम गुरुओं के आदेश अनुसार इन तीनों विग्रहों को जंगल में छुपा दिया गया। मतलब ये उस टाइम मथुरा में नहीं थे, और कई वर्षों बाद 16वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार उनके शिष्यों ने इन विग्रहों को जंगल में से खोज निकाला और वापस मथुरा में स्थापित किया। तो दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि औरंगजेब के समय के अंदर में कितने मंदिरों को तोड़ा गया, तो उस टाइम में सेम समस्या मथुरा में भी आई। तो उस टाइम इन विग्रहों को बचाने के लिए कुछ मतलब पंडितों ने इनको यहाँ पे जयपुर में स्थापित कर दिया। जैसा मैंने आपको पुराने अपने ब्लॉग में बताया कि सुरक्षित जगह थी शिल्पकार और मंदिरों और मूर्तियों के लिए, तो ये यहाँ पर तब से ही विराजमान है श्री गोविंद देव जी। तो ये प्रवेश द्वार है श्री गोविंद देव जी का मंदिर का, और इसके आसपास भी छोटे छोटे कई सारे मंदिर है। आज अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि मेरा माइक ना काम ही नहीं कर रहा है, तो आपको बहुत जगह पे आवाज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट दर्शन बहुत अच्छे हुए, और अभी फिर वापस निकल रहे हैं हम लोग, एंड वी विल सी कुछ नाश्ते में मिले तो हम खाएंगे। चलो दोस्तों, हम चलते हैं अपने चाय के अड्डे पे और हैव आवर मॉर्निंग टी देयर। हाँ, आज पूर्णमासी है। हाँ, तूने कुछ लेना क्या? देख ले, कुछ मिल जाता कई बार। क्या लेना है? भगवान जी की ड्रेस वगैरह ही है यहाँ पे। हैं? पालना झूलना यही सब है क्या? हाँ। बाबू जी कुछ चिपका पापा तभी। सब जी चाय पी रहे हैं बिल्कुल ठीक मंदिर के सामने, और आज तो ये हुए मैं बहुत सात्विक सात्विक मॉल में आज इमोशनल मूवमेंट में आ गया था मैं। हां, सम टाइम विल हैपन। आपने है को नहीं यार, आपने है जल्दी आइए। पेपर आ गया डॉक्टर साहब की। हां,
ये पता है चलती हुई ना किसी आदमी को, किसी गाड़ी को, किसी को भी पकड़ लेता है और ना मुंडी मोड़ लेता अपनी दूसरी साइड। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, और बताना आपको कैसा लगा। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा दिन था और बहुत ही अच्छी शुरुआत थी, एंड आशा करता हूँ कि आपने भी वैसे ही फील किया होगा जैसे मैंने फील किया। इधर पार्किंग के लिए तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आज का ब्लॉग आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी हमारी फैमिली के साथ जुड़ें, क्योंकि जब आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलती है और नए नए ब्लॉग्स बनाने की, नई नई इन्फॉर्मेशन देने की। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।